जब किसानों का खून पसीना इस मिट्टी में मिलता है और ऊपर से इंद्र अगर मेहरबान हो तो उसके बाद धरती का श्रृंगार कुछ इस तरीके का होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। और आज का मौसम आपने जिस तरीके से देखा होगा कि लगभग रात से ही पूरा मौसम कुछ इस तरीके का है। झुंझुनू जिले भर में बूंदाबांदी और बारिश हो रही है, किसी इलाके में ज्यादा है तो किसी में कम। अपन चलते चलते बात करते हैं और आपको बताता हूं कि ये जो जगह है वो है नवलगढ़ का ये रास्ता है। मैं नवलगढ़ अभी जा रहा था तो मैंने सोचा कि ये चीजें आपसे शेयर करता चलूं। आज रात से ही झुंझुनू सहित झुंझुनू, सीकर, जयपुर और राजस्थान प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3-4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही किसानों के लिए मौसम विभाग ने एक बुरी खबर भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं रास्ते में रुका तो वहां पे कुछ किसानों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि ये बारिश तो फसल में यूरिया का काम करेगी। मैं जब अभी नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में था तो कुछ किसानों से मेरी बात हुई और इस बारिश को लेके उनका कहना यह था कि ये जो बारिश है वो उनकी फसल के लिए बड़ी फायदेमंद है। लेकिन मौसम विभाग ने जो सूचना जारी की है उसके अनुसार कि 3-4 दिन तक ये बारिश रहेगी और साथ में ओले भी गिर सकते हैं। अगर ओले गिरते हैं तो इन किसानों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और हमेशा किसानों के साथ होता भी कुछ ऐसा ही आया है। किसान है वो शासन को कोसता है, प्रशासन को कोसता है, सरकार से उसकी नाराजगी रहती है और भगवान से भी उसकी नाराजगी रहती है, क्योंकि उनके साथ जो भी नुकसान होता है उसकी कभी भरपाई ना शासन प्रशासन सरकार कभी उनकी सुनती नहीं। और दूसरी तरफ जिस बार फसल अच्छी होती है उस बार या तो अतिवृष्टि हो जाती है या फिर बारिश होती ही नहीं या फिर ओले गिर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ माहौल अब लग रहा है किसानों के खेतों में। जो आपने अभी नजारा देखा, अच्छी फसल खड़ी है, लहला रही है और वो सुंदरता देखते ही बनती है और उससे जो उपज होगी वो वास्तव में किसान के लिए लाभदायक होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इस समय जो मौसम बदला है, ये बारिश है वो तो फायदेमंद है, लेकिन अगर ओले गिर गए तो किसानों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा और फिर उन्हें वही भगवान को कोसना पड़ेगा। जहां खराबा इतना होता है उसमें मुआवजे की राशि, हमने ये भी देखा है कि एक एक बीघा में 10-10 रुपए की मुआवजे की राशि उनको दी जाती है। किसानों के साथ इसी तरीके से धोखा होता रहा है, लेकिन ईश्वर के आगे हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। और वही प्रार्थना मैं तो सभी मेरे किसान भाइयों के लिए और हमारे जिलेवासियों के लिए करूंगा कि जिस तरीके की फसल खेतों में दिखाई दे रही है, इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं, ये बारिश ही रहे, ओले ना गिरे, ताकि किसानों की फसल में उन्हें फायदा हो।